Assalamualaikum, मैं हूं आपकी होस्ट जरगुन मानुला और आप लोग देख रहे हैं गॉसिप विद जरगुन। आप सबको खुश आमदीद। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आप लोग देखेंगे तो खुद ही। अगर आप लोग तैयार हैं उनको देखने के लिए तो आइए ले चलते हैं आपको उनकी तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? एवान, एवान, मेरा बच्चा ठीक है, शुक्र अल्लाह का। दुआएं आपकी। और जरगुन टैलेंटेड टैलेंटेड ये आपने शर्मिंदा ही कर दी है। नहीं, शर्मिंदा नहीं, हमारे ब्लड में वो बात ही नहीं है कि हम शर्मिंदा हो ना। बिल्कुल। कैसे जिंदगी गुजर रही है आजकल? बस कोरोना के साथ साथ चल रही है, कोरोना के साथ और साथ फेल चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वालिद साहब के साथ बड़ा टाइम गुजरा आपका? हम बच्चों से ज्यादा तो वो आप लोगों के साथ ही टाइम गुजारा करते थे। कुछ हसीन यादें? हमारे साहब के साथ बड़ी यादें हैं और जो वो फिक्रा मेरे लिए कहते होते थे वो मुझे बहुत मिस करता हूँ उसको। कौन सा? वो मुझे कहते होते थे कि अक्सर वो कहते थे कि फील्ड के जो लड़कियाँ ना वो मुझसे पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं स्ट्रगल में हर पता। बिल्कुल। तो मैं, मेरे तो कजन भी थे। बिल्कुल। तो मैं उससे पैसे नहीं मांगता था। तो मुझे एक दिन ना उससे भी कहते उससे मैंने प्यार से कहते तेन पता कैसे था पार क्यों नहीं तो इंडिपेंडेंट आ रही बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद करते हो सारा काम। तो अमान साहब तो फिर एक सदी का नाम है। मैं ये काफी इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि हम कुछ कर लें, थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं इसमें इंक्लूडिंग आबिद खान साहब को भी डाल लेना। बिल्कुल। तो ये मैं कहना बुरा नहीं फील करूंगा। सचमुच जेन्युइन जितना अमानुल्लाह साहब ने हंसाया है लोगों को, जितनी खिदमत की है शायद कोई फनकार आने वाला भी या जाने वाला भी को करके गया हो। ये आपका प्यार और आपका बड़ापन है। बाकी सचमुच किंग ऑफ कॉमेडी। अब तो जैसे दो क्लैपें आती हैं, दो लाफ्टर आता है तो अखबार में उसके नीचे लिखा होता है किंग ऑफ कॉमेडी। असल में किंग ऑफ कॉमेडी पाकिस्तान के वो मैं साथ नाम ही थे, अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, आबिद खान साहब, तारिक जुनेद साहब, और भी बड़े नाम हैं जिनको मिस कर रहा हूँ, सुहेल अहमद साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने सचमुच उस दौर में काम किया और बड़ा अच्छा दौर था उनका। जरगुन करवट लेता है मीडिया। बिल्कुल ऐसे ही जो दौर है ना वो करवट लेता है। पहले एक एंटीना होता था, बिल्कुल, एक बंदा ऊपर था, 20 बंदे सेन में बैठ के टीवी देख रहे होते थे। फिर डिश आई, फिर डिश से मॉड हुआ, केबल आ गई, अब केबल से भी आगे पता नहीं किधर जा रहे हैं। पहले एक किसी एक मोहल्ले में एक फनकार होता था। बिल्कुल बेशक। अब एक घर में सारे फनकार, हर बंदा ही, ये टिकटॉक और यूट्यूब ने तो हर बंदे को ओपन करके रख दिया। पहले तो हर बंदा कहता नहीं नहीं किसी को मिलने जाओ ये जरा ये तो करते हैं चल के उधर चले जाए। वो पता नहीं बाद में क्या बाद में कर देते हैं गाने वगैरह। तो कभी फैमिली के साथ हो तो आपको बुरा नहीं लगता? लोग आ जाते हैं आपके पास? कभी कभी होता है, लेकिन हम हैं प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो हमारे हमें लाइक करते हैं तो लोग हमें प्यार करते हैं तो हमें हमारी पहचान है। बिल्कुल। आप कोई काम करें उसको लाइक या डिसलाइक ही ना हो तो फिर वो काम नहीं है। तो आपने इस फील्ड में किस तरह से आवाज हुआ था? एक्चुअली मैं एक जिद की नजर हुआ हूँ, मैं एक्टर था, खेली हुई है 90 बासत अली साहब कप्तान थे जब मैंने क्रिकेट खेली। जी जी। तो बस एक लड़के ने ना मुझे ले गया, गांव का ही था, मेरे साथ ही था, वो मुझे ले गया। तो उसने मुझे कहा जी ड्रामे करने हैं। बाद में उसे नहीं कह दिया कि ये आबिद खान का भरा है, जैसे बड़ी कास्ट में कम कर रहे हैं, ये गुजरा ने रोलता पे। फिर मैंने उसी दिन देखा बैग पकड़ा लाहौर आ गया, आबिद भाई ने मुझे सीधा कहा वेलकम। उन्होंने कहा मैं उस काम को बुरा नहीं कहूंगा, जिस काम ने मुझे इज्जत दी, पैसा दिया, नाम दिया, वेलकम, लेकिन मैं तेरी सिफारिश नहीं करूंगा। ये तेरा घर है, यहाँ पे तुझे कपड़ा धुला ना मिले या तुम्हें खाना ना मिले। हाँ अगर तुम कहो मैं 10 रुपए तुम्हारे जेब में डालू, ये नहीं होगा। काम करो वाइड ओपन फील्ड है, सिफारिश नहीं करूंगा। फिर मेरे अंदर भी वही ब्लड था, मतलब मैंने अमान साहब को कह दिया होगा
सर कुछ कहो, आमिर भाई को मैंने नहीं कहा, और अमान साहब ने सबसे पहले जो मुझे कही थी ना, कहता तू सुईदी वाले का बच्चा है, सुईदी खानदान का, तेन एक गल ही कहनी है, बाद बाहुरा बेअदब बेबुरान, बेटा एदे ते मैं अपनी जिंदगी गुजारी है, तो हम भी उसी लाइन में है, उसी लाइन पे चल रहे हैं, डगर पे चल रहे हैं। माशाल्लाह तुम्हारी सेहत बहुत है, तो खाने का शौक है या कुछ पकाते भी हैं कुछ खुद? गुजरांवाला, गुजरांवाला, गुजरांवाला का पानी और वहाँ का जो सिस्टम है वो खाना वैसे ही, गुजरांवाला का बंदा वो कहते रज के नहीं थक के उठता है, और जी खाना खाना नहीं बस थक के, ये नहीं कहेंगे रज के। तो चले आज आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें फिर, जैसे आपको करवा लें फिर, तैयार हैं आप लोग? आपके हाथ आए हैं जो मर्जी करो जरूर। नहीं बड़े हैं जरूर, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, और जिस बात की ये बेटी है भाई, हम उसके खुद फैन हैं, हम खुद उसका वो क्या कहते हैं छोड़ी हुई रोटी में से दो तीन नवाले लिए हैं। शाहिद साहब अंजना करो, किसी भी मेरे बड़े हो शाहिद साहब, करा लें फिर टंग ट्विस्टर, जो मर्जी करो। फ्रेश फ्राइड फिश बोल के दिखाएं तेज तेज, फ्रेश फ्राइड फिश, चले इनमें से किसी तीन लोगों पे जुगत लगा के दिखा दें मुझे। सारे लेजेंड हैं, किसको जुगत? नहीं कुछ कोई नहीं भी है अंदर से, कुछ न्यू कमर्स भी है कुछ देख लें कुछ। डीजे को कर सकता हूँ जी, करें जरा। डीजे हमारा बड़ा अच्छा सिंगर है जी, जी। माशाल्लाह मुझे कहता है कि शायद भाई आपको कैसा लगता है मेरा गाना, हाँ। मैं कहा तुम्हारा गाना ऐसा है कि दोबारा गाया जा सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट और कौन है? दानियाल जफर है, मायरा खान है, शहरयार मुनव्वर है, साइमा है, और भी काफी। साइमा जी हमारे साइमा जी हमारे पाकिस्तान की वो बड़ी फनकारा है जिन्होंने तोते नु छड़ के कान नु चोरी खवा दी। इनके बारे में ये कहूंगा कि इन्होंने जिद्दत लाया ये कि उड़ कोठे तो कावांगे उसको भी चोरी डाल दी, चोरी डाल दी। एक आखिरी रह गए हैं, आखिरी अब कौन रह गए? आखिरी अब आप चूज करें खुद इसमें से। अब मेरे पीछे आगे क्या कुछ यहाँ भी लगे हुए हैं, अली जफर हैं ये, और भी कितने सारे अली जफर साहब हो, टीफन ट्रबल वाले जी, हां ये आपको पता नहीं, आपने उनको सिर्फ सिर्फ टीफन ट्रबल देखी है? नहीं वो भी देखी है, देख लें। अली जफर साहब बड़े टैलेंटेड और माशाल्लाह बड़े प्यारे फनकार हैं, माशाल्लाह वो अकेले डांस नहीं करते, पूरे हॉल को भी नचाते हैं, नचाते हैं, लगता गाना नहीं गाना, 250 पाउंड हॉल से चले ओते तकलीफ चुन ना हाल में तकलीफ चुन। एक जगह तुम अपने आप ना क्या क्या कहना चाहेंगे जब शीशे के आगे खड़े होते हैं, मतलब किस तरह का चेहरा आप? मैं सिर्फ अपने आप को देख के ये कहता हूं यार वेला अल्लाह किड्डा बड़ा है, तैनू भी इज्जत दी जी। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। नहीं मेरा बच्चा है, जब तुझे जरूरत पड़े, जब मेरी किसी भी हवाले की, तू माशाल्लाह खुद ही इतनी टैलेंटेड है, तो जब भी जरूरत पड़े मैं जरूर के लिए हाजिर हूं। मेरी बेटी है, भतीजी है, बड़े रिश्ते हैं इसके। बहुत शुक्रिया। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले? पैगाम ये है कि लेग पुलिंग छोड़ दें बिल्कुल, खुदा के लिए पाकिस्तान हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, लेकिन ये सिर्फ नजर हो रहा है लेग पुलिंग की, जिसका काम नहीं होता वो तनकीद करता है, बकअप नहीं करते हम एक दूसरे को, टोंट करते हैं, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें हम खुद ही, क्योंकि उसकी रहमत है, उसकी रहमत को अपनी चलाकी मत समझिए, चलाकी मत समझिए। बहुत शुक्रिया जी, इसी के साथ साथ हमें इजाजत दें, नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।